अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि वो 10% और 17% को टोटल ऐड करके इन्होंने कर दिया 27%, यानी कि ये दोनों टैक्सेस उन्होंने टोटल अमाउंट पे उन्होंने पे कर दिया। टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी बची है, 13,500, जो कि हम लोगों ने बिल को पे करना है। उसके ऊपर अगर हम लोग 27% लेके 13,500 पे, अगर हम लोग 27% अगर हम लोग लेके ये जितने भी अमाउंट आती है वो अगर हम लोग 13,500 में अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वो बनेगी हमारे पास टोटल अमाउंट जो कि हम लोगों ने पे करनी आगे। लेकिन ये हमारा इस तरह गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा, यहाँ पे आप लोगों ने एक दो पॉलिसीज को आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। देखें, ये जो 10% जो सर्विस चार्जेस हैं ये तो उन होटल के अपने ही उनके कंडीशनल हैं कि वो उसको कंडीशनल उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो जीएसटी के जो चार्जेस हैं, ये जीएसटी गवर्नमेंट सेल्स टैक्स होते हैं। ये जो जीएसटी होता है ये कभी भी डिस्काउंटेड प्राइस पे नहीं होता है, ये हमेशा जीएसटी जो होता है वो हमेशा आपकी प्रिंसिपल अमाउंट पे होता है। लेकिन यानी कि स्टार्ट के ऊपर जो आपको बिल की अमाउंट जो बताई गई थी उसी के ऊपर जीएसटी आप लोगों का लगेगा। यानी कि अगर मैं ये 10% का काउंट करूंगा वो तो इसी पे आएगा, 13,500 का 10% कितना होगा, 1,350, ये इसके अंदर ऐड होगा, ये अमाउंट इनको पे करनी पड़ेगी। कितनी अमाउंट होगी टोटल, 14,850। अब ये जो 17% है वो ना 13,500 पे मैं करूंगा, वो ना 14,850 पे, बल्कि वो मैं करूंगा प्रिंसिपल अमाउंट पे जो कि स्टार्ट उनको बताई गई थी विदाउट डिस्काउंटेड 15,000 पे हम लोग चेक करेंगे 17%। ये जो कि आप लोगों का जनरल सेल्स टैक्स पार्ट है, ये बनता है 17,085, 17,185, 17,185, यानी कि ये अमाउंट बनेगी 2,550। ये आप इसके अंदर आप ऐड करेंगे तब जाके आपके टोटल बिल की अमाउंट बनेगी जो कि आप लोगों को वहां पे करना होगा। इनको ऐड करते हैं, ये बनेगा 0, 10, 1, 14, 1, ये बनेगा 4, 2, 6 और 1, 7, ये 17,400 रुपया जो है ये टोटल आप लोगों को वहां पे करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चन के अंदर दो मिस्टेक्स की होंगी, उन्होंने या तो 10 और 17 को ऐड करके 27% कर दिया होगा, या 10% भी इसी पे ले लिया और 17% फिर इसी पे ले लिया, या 17% हो सकता है 14,850 पे ले लिया हो, तो जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गई। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोगों ने देखने होते हैं जहां से हमारी मिस्टेक भी हो सकती है। एक और हमारे इसके अंदर क्वेश्चन आया होता है एज प्रॉब्लम वाला, उसको भी अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि एज प्रॉब्लम के अंदर उसने किस तरह की इक्वेशन उसने दी। एज प्रॉब्लम अगर देखा जाए क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया गया, इसमें कोई इश्यू वाले बात नहीं था। जो मेरे पास जो मैं जो स्टूडेंट्स को जैसे मैं जो स्टडी जो करवाता हूँ, मेरा जो पहला जो क्वेश्चन है ना, पहला उसी तरह की इक्वेशन इसके अंदर बन रही है। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन इज नाउ 3 times एज ओल्ड एज हिज सन, जो फादर है वो अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है, यानी कि फादर इज इक्वल टू 3 × s, यानी कि 3s, फादर अपने बेटे से 3 गुना बड़ा है। उसके बाद इक्वेशन क्या कहता है, इन 10 years टाइम द सम ऑफ देयर एज विल बी, द सम ऑफ देयर एज विल बी का मतलब जो आने वाले जो 10 साल है, यानी कि 10 साल फादर में भी ऐड होंगे और इसी तरह 10 साल सन में भी ऐड होंगे। और जहां पे उसने इक्वेशन उसने थोड़ी सी चेंज क्या किया, वो कहता है कि 10 साल के बाद इन दोनों की एज का सम 76 हो जाएगा, इन दोनों को सम कर दें इक्वल्स टू 76। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है, हाउ ओल्ड वॉज द मैन वेन हिज सन वॉज बॉर्न, जब उसका बेटा पैदा होता तब उस बाप की एज क्या थी। हम लोग पहले बेटे की एज और बाप की एज निकाल लेते हैं, फिर हम उसमें से 10 माइनस कर लेंगे। वो क्यों, वो उसमें से हम लोग फिर वो सन की जो एज है वो हम लोग फिर माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि सन जब पैदा हुआ उतनी ईयर हम लोग उसको माइनस कर देते हैं। हम लोग पहले इसकी एज फाइंड आउट करते हैं, एफ की जो वैल्यू है ना, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, फादर की जो वैल्यू आप लोग यहाँ पे पुट करो, फादर क्या 3s, तो यहाँ पे 3s पुट करें, प्लस 10 प्लस s प्लस 10 इज इक्वल टू 76, 3s और 1s कितना हो जाएगा 4s, प्लस 10 और 10 20 इज इक्वल टू 76, 4s इज इक्वल टू 76 माइनस 20, 4s इज इक्वल टू 56, s इज इक्वल टू 56 अपॉन 4 करेंगे तो s इज इक्वल टू 14, सन की एज कितनी आ गई 14 years। अब यही आप लोग पहली इक्वेशन में आप लोग यहाँ पे आप लोग पुट करके आप लोग सन की फादर की एज निकाल लें, सन की एज 14 है तो यहाँ पे पुट करें, फादर इज इक्वल टू 3 × सन की एज कितनी आई 14, फादर की एज कितनी बनेगी 42 years। अब उसने ये कहा है
मुझे बताएं कि बाप की एज क्या थी जब वो बेटा पैदा हुआ। बेटा कितने साल का है? 14 साल का। अगर इसमें मैं 14 साल में माइनस कर दूं ना 42 में से 14 अगर माइनस कर दूं तो तब बेटा 0 ईयर्स का होगा, यानी कि नहीं पैदा हुआ। तो तब बाप की एज कितनी थी? 28 ईयर्स। तो अब ये देख ले क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन दिया गया था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। सिंपली आप लोगों के जो भी टॉपिक है उसकी आप लोगों की प्रैक्टिस एक होनी चाहिए। आगे जो ज्योमेट्री के जो सेक्शन है वो भी थोड़ा सा टेक्निकल दिया गया था, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूंगा कि जल्द अज जल्द एज सुन एज पॉसिबल ये आप लोगों को ये जितना भी 21 का जो पेपर है इंशाल्लाह इन सब के आपको सोल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा। आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे भी इंशाल्लाह सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे। आपको इंशाल्लाह एनसीए के पेज पे भी इंशाल्लाह आपको इसी 21 के पेपर के जो अबिलिटी सेक्शन है उसके सोल्यूशन इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 डेज इंशाल्लाह आपको सारे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया। और इसके अलावा कोई भी क्वेरी हो आप लोग हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पेज के ऊपर कॉन्टेक्ट नंबर लिखे होते हैं, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।